हेलो गाइस गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्नैप चैट के बारे में। तो स्नैप चैट पर हम अपना नंबर डालते हैं, नंबर डालने के बाद सेंड ए टेक्स्ट वेरिफिकेशन कोड आता है, वो हमारे मोबाइल में रिसीव नहीं हो पा रहा है। मैं आपको बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। तो यहाँ पर मैं नंबर डाल देता हूँ सबसे पहले, और इसे कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद 60 सेकेंड का टाइम रहता है हमारा वेरिफिकेशन कोड आने का। बट ये जो वेरिफिकेशन कोड है वो हमारे स्नैपचैट पर रिसीव नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं, क्या पता कुछ कन्फर्मेशन आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे लगता है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि एक प्रॉब्लम हो रही है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे तब हमारा वेरिफिकेशन कोड आएगा और कन्फर्मेशन कोड होगा। तो यहाँ से तो मैं इसको बैक ला देता हूँ और अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाता हूँ इसको सोल्व करने के लिए। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको मोर पर जाना होगा। मोर में जाने के बाद एरोप्लेन मोड को लगाना होगा और बंद कर देना होगा। उसके बाद बैक लाना होगा। बैक लाने के बाद यहाँ पर आपको स्टोरेड ऐप दिखती होगी, स्टोरेड ऐप्स में चले जाना है। और स्टोरेड ऐप में जाने के बाद आपको थोड़ी सी नीचे स्नैपचैट मिल जाएगा। तो ये रहा गाइस हमारा स्नैपचैट, इसको खोल लेते हैं। खोलने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है रिस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज पर। अगर यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड डेटा पर आपका अनटिक है तो उसको टिक लगा दीजिए, यहाँ पर भी एंड तीसरे वाले पर भी, और इसे ओके कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिखता होगा डेटा क्लियर, डेटा क्लियर पर क्लिक करना है और ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप परमिशंस, तो ऐप परमिशंस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर SMS, टेलीफोन, माइक्रोफोन एंड स्टोरेज सारी सर्विस को अलाउ कर देना है, नीचे की सारी। उसके बाद यहाँ से मिनिमाइज कर देना और स्नैपचैट पर दोबारा जाना। तो गाइस मैं पीछे का सारा प्रोसेस स्किप कर दूंगा और सबसे लास्ट में आपको लेके चलता हूँ, जैसे कि मैंने अभी लेके गया था आपको, जहाँ पर स्नैपचैट को खोलना है और साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर जो हमने नंबर दोबारा डाल लिया है अपना, और अब जो हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कोड आ चुका है हमारा, ये रहा। और स्नैपचैट पर इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट भी कर लिया है बहुत जल्दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइंड योर फ्रेंड का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। और जो ये हमारा अकाउंट है वो बन चुका है। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर गाइस यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।